वो भी डुमरिया प्रखंड के अंदर, इतनी खूबसूरत जगह। नमस्कार दोस्तों, इंट्रो से ही आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। इस वीडियो के जरिए हमारे एरिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक जगह को एक्सप्लोर करने के इरादे से मैं और गोपाल अपने घर से निकल चुके हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को अभी से ही एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आप वीडियो देख करके भूल जाइएगा। तो चलिए जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बगल में जहाँ से हम लोग आए उधर घर है, लोग यहाँ पे नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं। मैं तो दिखा नहीं सकता, फिर भी एक जन को देख लीजिए, नीचे कुछ लड़कियाँ नहा रही हैं, औरतें नहा रही हैं, इसलिए मैं उधर दिखा नहीं सकता। चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। आप देखिए यहाँ पर पानी कितना क्लीन है, कितना साफ है। यही वो जगह है। अरे वाह, केकड़ा! ए गोपाल, केकड़ा! यहाँ पे एक केकड़ा नजर आया था जो कि चट्टान के अंदर घुस चुका है, दिखाया नहीं जा सकता। हम लोग चढ़ते हैं ऊपर की ओर। अभी भी शायद झरना जिंदा है, मतलब बचा हुआ है। कुछ दिनों बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी, उस समय एक बार फिर मैं आपको लेकर आऊँगा। उस समय देखिएगा कितना ज़बरदस्त नज़ारा होता है यहाँ का। पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास कुछ भी सुविधा नहीं था जिससे मैं कैद करके आप लोगों को दिखा सकता। आवाज़ सुनाई दे रही है ना आपको? गौर से सुनिए, झरने की आवाज़ है दोस्तों, ये मधुर आवाज़। पानी जब चट्टानों से टकरा कर नीचे गिरता है तो ये मधुर आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बैठ करके ऐसे शांत जगह में सुनिए, एकदम मन को तसल्ली मिल जाएगी, मन को शांति मिल जाएगी। बड़ा ही मधुर आवाज़ होती है ये। पानी जब चट्टानों से टकरा कर नीचे गिरता है तो ये आवाज़ सुनने लायक होता है। देखिए दोस्तों, अंदर थोड़ा थोड़ा पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर चला जाए गोपाल, गोपाल किधर चला गया? सांप निकल गया क्या इसमें? ओ चलिए दोस्तों, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। अभी तो पानी कम है, इस वजह से यहाँ से लेकर चलता हूँ मैं आपको। बारिश ज़्यादा हो जाती या पानी यहाँ पे भर जाता तो यहाँ से जाना मुश्किल था। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ भी खड़ा होना मुश्किल था, हम लोग को बगल से होकर के, साइड से होकर के जाना पड़ता था। तो चलिए फ़िलहाल मैं यहाँ से लेकर के आपको चलता हूँ। देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक जगह है। देखने से लगता है कि यहाँ पे सांप या कुछ भी ऐसे खतरनाक जानवर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ऐसे जानवर मिलेंगे भी तो हमारे लिए खतरा का कारण नहीं बन सकते। ये देखिए दोस्तों, झरना। वाओ, ये आवाज़ सुनिए, ये आवाज़ सुनिए, एकदम कानों को सुकून देने वाली ये आवाज़ जो है झरना से ही मिल सकती है। सुनिए आप एक बार।
ऊपर की ओर चलने की कोशिश करते हैं। इधर से चढ़ पाएंगे तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर घूम के जाएंगे हम लोग। वीडियो में बने रहें आप लोग, काफ़ी मस्त नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आप लोग हमारे क्षेत्र के अगल बगल से देख रहे हैं और यहाँ आना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको यहाँ का पता बता दूंगा कमेंट के जरिए। तो आइए हमारे साथ, बताओ धीरे धीरे वन पर। तो यहाँ से होते हुए हम लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट इस जगह से होते हुए हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, है तो खतरनाक जगह, अगर हम लोग गिरे तो सब कुछ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग चढ़ेंगे यहाँ से। ये देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त चट्टाने, देखिए किस प्रकार से चट्टानों को चीर करके जो नदी है, पानी है, नीचे गिरता जा रहा है। तो ऊपर चढ़ते हैं, चलो पहले चलो गोपाल चढ़ेगा, ये देखिए दोस्तों हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं। यहाँ से देखिए कैसा दिखता है नज़ारा, ज़रा सोच के देखिए जब पानी भर जाता होगा कितना खूबसूरत होगा ये नज़ारा, है ना। आएंगे, पानी भरने दीजिए, उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ दिखाने के लिए हम लोग ज़रूर आएंगे। चलिए और ऊपर चलते हैं और देखते हैं उधर कैसा है, क्योंकि जब पानी भर जाता है ये सब तो देखने को मिलेगा नहीं। जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग खाली खाली देख पा रहे हैं, चट्टानों को देख पा रहे हैं, ज़रा सोच के देखिए ये पानी जो हल्का हल्का सा यहाँ पे जा रहा है, इन्हीं चट्टानों को चीर करके जब तेज़ी से बहता होगा और भयानक धारा के साथ बहता होगा तो कितना खतरनाक नज़ारा होता होगा। देखिए उधर और भी खतरनाक नज़ारा है, खतरनाक दिख रहा है। चलिए वहाँ तक चलते हैं, चलिए हमारे साथ। क्या लगता है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आना चाहेंगे, आना पसंद करेंगे? हमारे क्षेत्र में इतना खूबसूरत ये झरना हो सकता है? काफ़ी सारे लोग इस झरने के बारे में नहीं जानते हैं, यही वजह है कि मुझे लगा कि क्यों ना इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए, आप लोगों के सामने लाया जाए। ये देखिए अगर ये पेड़ जहाँ पे गिरा हुआ है ये कहीं खुला जगह में रहता तो लोग इसका इस्तेमाल कर लेते लकड़ी बनाने के रूप में, है ना। देखिए ऊपर, ज़बरदस्त, वाह क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। ऊपर तक चला जाए, क्या कहता है गोपाल, मछली कहाँ, जाल लाना चाहिए था। गोपाल को मछली भी यहाँ पे दिखाई दी थी दोस्तों, मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रही है, नीचे में एक केकड़ा बस दिखाई दिया था। अब देखते हैं ऊपर जा करके, देखने से तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, नया कोई आ जाए यहाँ पे तो उसके लिए डरावना हो सकता है ये जगह। इधर से गोपाल चढ़ने सकेंगे ना यहाँ, हाँ इधर से हो जाएगा। ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं दूर आ गए हैं अपने गांव से, जबकि मेरे गांव से ये मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। वो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग काफ़ी ऊपर तक तो आ गए हैं, और भी ऊपर है, हम लोग जाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। ये देखिए बहुत ही खतरनाक पत्थर जो हैं, पूरी तरह से चिकनाई तो है इसमें लेकिन सूखा हुआ है, जिसकी वजह से पैर फिसलने का तो डर नहीं है, लेकिन जब पानी रहता है उस वक्त ये सब चट्टानों के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। ये देखिए आवाज़ें सुनाई दे रही है, कुछ कुछ कीड़े मकोड़ों की दोस्तों सुनते रहिए। अगर यही कीड़े मकोड़े जब रात में इस प्रकार से चिल्लाएंगे और ऐसी जगह में कोई अकेला रहेगा तो उसके लिए बहुत ही डरावना ये मंजर हो सकता है। एक तो पहाड़ के अंदर बीच में एकदम झरना है, ऊपर से ऐसी आवाज़ें जब सुनाई देगी तो ज़रा सोच के देखिए कैसा महसूस होगा, और ऊपर से इतना खतरनाक
जंगल, पहाड़, चट्टाने, और देखिए दोस्तों गुफा जैसा नज़ारा है एकदम ऊपर, देखिए इतना खतरनाक दिख रहा, बड़ी बड़ी चट्टाने नज़र आ रही हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। गोपाल संभल के, सांप हो सकता है, फिर यहाँ से ढो करके ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, वाह, हम लोग कहाँ पहुँच गए यार। अरे वाह, स्विमिंग पूल छोटा था। यहाँ पे तो लोग नहाने के लिए नहीं आते होंगे क्योंकि काफ़ी ऊपर हम लोग आ गए हैं, और इतना ऊपर में कौन नहाएगा। एक बार हम लोग जब आए थे उस वक्त ऊपर तो आए थे और वहाँ तक आए हुए थे। वो देखिए दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, पानी ऊपर से गिर रहा है नीचे की ओर, वहाँ तक चलते हैं। चलो चलो इधर से, चलो इधर से, बहुत मस्त लग रहा है, वाह। कमेंट करिएगा दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत ये नज़ारा, मुझे तो काफ़ी पसंद है ये जगह। आप लोगों को ये जगह कैसी लग रही है, ये झरना कैसा लग रहा है, ये बड़ी बड़ी चट्टानें कैसी लग रही हैं आपको, है ना? क्या आपके गांव के आसपास ऐसी जगह है, ज़रूर बताइएगा। मैं तो कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र की ये सबसे खूबसूरत जगह है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। क्या किया जाए, हम लोग बस दो ही जन आए हुए हैं, वरना खूब मज़ा आता है यहाँ पे। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे पिकनिक मनाने के लिए यहीं कहीं पे अगल बगल आया जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, आवाज़ सुनिए, सांसें भी फूलने लगी है दोस्तों, क्योंकि इतने ऊपर हम लोग आ गए हैं। चलिए थोड़ा सा और चला जाए वहाँ तक, है तो ख़तरनाक जगह, अगर फिसल के गिर गए तो कोई बचाने वाला भी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए, वाह क्या बात है। कैसा लग रहा दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा देख करके? क्या आपके मन में नहीं आ रहा कि इस जगह में एक बार घूमने के लिए आया जाए? अगर आना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको ये जगह नहीं मिलेगी तो मैं आपको यहाँ पे पहुँचा दूँगा। ये देखिए, चलिए दोस्तों ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शाम हो रही है, हम लोग को भी घर निकलना पड़ेगा, और इस खतरनाक जगह से तो जल्दी से निकलना पड़ेगा। ऊपर चलते हैं, और वैसे भी अगर शाम हो जाएगी तो फिर आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे, ऊपर का नज़ारा भी देख लिया जाए, पता नहीं कैसा होगा। मैं तो यहीं तक आया था, ऊपर जा कर के देखते हैं कैसा नज़ारा है। यहीं से चढ़ें गोपाल? हाँ हाँ, हो जाएगा ना, गिरेगा नहीं ना तुम? गिर गया तो मैं चल दूँगा घर, अपने आप जाना तुम। ये देखिए, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, बड़ा ही खतरनाक है भाई, पता नहीं हम लोग चढ़ पाएंगे कि नहीं। अगर वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो समझ जाइए कि हम लोग यहीं चल बसे। मैं तो थोड़ा बहुत चढ़ गया क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, अब गोपाल यहाँ चढ़ पाएगा? उठ चलो, देख ये देखिए गोपाल चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा हूँ धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है हम लोग मैन वर्सेस वाइल्ड के एक्टर हैं जैसा लग रहा है। बेयर ग्रिल तो नहीं है यहाँ पे हमारे साथ, लेकिन अपने आप को इस जगह में बेयर ग्रिल से कम नहीं महसूस कर पा रहे होंगे। ये देखिए, वाह ऊपर तो बड़ा ज़बरदस्त है यार, पानी जब रहता होगा तो कितना खतरनाक दिखता होगा, कितना खूबसूरत नज़ारा होता होगा। ऐसी जगह हमारे एरिया में पता होनी चाहिए यार सबको इस जगह के बारे में। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ओहो
ऊपर से सनसेट, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, मज़ा ही आ गया आज तो। और ख़ास करके मुझे इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि इस जगह को मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, वो भी डुमरिया प्रखंड के अंदर। इतनी खूबसूरत जगह, आगे देखिए नज़ारा, दूर दूर तक आपको जंगल ही जंगल नज़र आ रहे होंगे, हरे भरे जंगल। आगे पहाड़ हैं, यहाँ पे एक गांव है छोटा सा, उस गांव में मार्केट भी लगा हुआ है। अगर सही समय पर हम लोग पहुँच पाएंगे तो आपको मार्केट भी दिखा दिया जाएगा। कमेंट करिएगा दोस्तों कैसी लगी ये जगह आप लोगों को, ये देखिए। चलिए ऊपर, और ऊपर चला जाए, लालच तो हमारी बढ़ती जा रही है दोस्तों। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर में क्या रखा हुआ है, चट्टानों के ऊपर चट्टान। वाह क्या बात है, गिर गया था। चलो वहाँ तक चलते हैं, गिरेगा तो तुम बैठे रहना नीचे। दोस्तों हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक किस्सा हो गया, यहाँ पे हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ से चढ़ें, इधर से जिधर गोपाल चढ़ा हुआ है। गोपाल को तो मैंने ठेल ठाल के चढ़ा दिया, हम जब मेरी बारी आई मुझसे नहीं हुआ। आगे इधर से नहीं जाना चाहिए, बहुत ही खतरनाक है। और गोपाल को चढ़ाने के बाद अब देखिए वो उतर नहीं पा रहा है, उसे पकड़ के उतारता हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहें क्योंकि फ़ोन गिर गया तो चला जाएगा आईफोन मेरा। आप देख सकते हैं हम लोग वहाँ से चढ़ने तो नहीं सके, लेकिन घूम करके इधर से आ गए। हम लोग उधर से जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन सके नहीं, अब इधर से हम लोग जाएंगे। ये थोड़ा सा ठीक है इधर से जाना, लेकिन जो नज़ारा मैं दिखाना चाहता था उधर से जा करके वो नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन अपने आप को जीवित रखना भी तो ज़रूरी है भाई, उधर से जाते तो बहुत ही खतरा था, यहाँ से भी खतरा है हालांकि, लेकिन उसके मुकाबले कम है। चलिए गोपाल आ रहा है, देखिए अगर कहीं से फिसल जाए तो सीधा नीचे, उसके उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए ये देखिए वहाँ पे एक घर है, वहाँ पे कुछ घर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ के लोग नहाने के लिए नीचे में आए हुए थे। बहुत ही खूबसूरत है, जैसा मैंने बताया दोस्तों, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, और जिस दिन आना होगा तो मेरे इंस्टा आईडी में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा इस जगह को घुमाने में। चलिए ऊपर चलते हैं, अरे वाह इधर से तो रास्ता है यार, हम लोग बेकार में उधर से कोशिश कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों पगडंडी जैसा बना हुआ है, मतलब लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, इधर देखने के लिए आते होंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ से हम लोग चढ़ रहे थे, इसीलिए अनजाने में कभी कभी लोगों से गलती हो जाती है। आवाज़ सुनिए, कुछ कीड़ा है जो इस प्रकार से आवाज़ लगा रहा है। ये देखिए यहाँ से हम लोग चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, असफल प्रयास। ऊपर चलते हैं, इधर से नहीं उधर से घूम के चलते हैं। चलो हाँ, रास्ता इधर से होना चाहिए, नहीं होगा। अरे भाई ऐसा लग रहा है कैमरा ऑन होते ही, बेयर ग्रिल का ऐसा लग रहा है कैमरा ऑन होते ही बेयर ग्रिल का आत्मा घुस जाता है मेरे अंदर। देख रहे हो कहीं भी मैं चढ़ जा रहा हूँ, वाह क्या बात है, बंदर का आत्मा तो नहीं घुसा हुआ है ना। चलो साइड रहना, पत्थर गिरेगा तो कैच कर लेना, ठीक। देखा बहुत ही खतरनाक है भाई, जैसा कि मैं बता रहा हूँ खतरा तो है। हाँ पूरा है, जबरदस्त है। जब भी आप लोग आइएगा दोस्तों ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, आप देख सकते हैं साइड से होते हुए आइएगा, अंदर से नहीं आइएगा, क्योंकि अगर एक बार गिर गए तो कुछ उपाय नहीं बनेगा, यहाँ लोग ही नहीं रहते हैं, पूरा सुनसान पड़ा रहता है ये इलाका। वाह क्या बात है, बड़ा खूबसूरत है। चलिए आपको थोड़ी सी और अच्छी तरह से इस जगह को
वाह क्या बात है, ये देखिए है ना, खूबसूरती के साथ साथ ये खतरनाक जगह, ये देखिए। ओहो वाओ क्या बात है। भोपाल ये देखिए दोस्तों, फाइनली गोपाल आ चुका है। इसकी हालत देखिए इसीलिए जब भी आप लोग यहाँ आएंगे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आइएगा, पानी ज़रूर साथ लाइएगा, क्योंकि पानी की कमी की वजह से आपको थकान और ज़्यादा लग सकती है। और भी ऊपर है, उधर चला जा सकता है। क्या बोलते हैं आप लोग, जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? हाँ चलिए चला जाए। गोपाल थोड़ी सी और ताकत है ना, और नहीं होगा हमसे। चलो मैं जाता हूँ, तुम रहो यहीं पे। हाँ अगर चिल्लाऊंगा तो आना, ठीक, कुछ खतरा होगा तो। ऊपर जा रहे हैं दोस्तों हम लोग नहीं, मैं जा रहा हूँ, गोपाल नीचे रहेगा। बारिश का तो अभी संभावना कम है। ओहो भाई खूबसूरती तो है लेकिन ऐसी जगहों पे खतरा भी बना रहता है। ये देखिए अब बताइए, ऐसी जगह में सांप नहीं रहेंगे तो और क्या रह सकते। मैं लगभग ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। गोपाल तो आने ही नहीं सका, पूरी तरह से थक चुका है, उसकी जो ताकत है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, हालांकि शाम हो चुकी है, बादल भी नज़र आ रहे हैं, हो सकता है बारिश स्टार्ट हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ से भागेंगे और इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये जो हमारा प्रयास था इस जगह को एक्सप्लोर करने का कैसा लगा, है ना, एक बार देख लीजिए फिर से। क्या आप लोग इस जगह में आना चाहेंगे? अगर आपका मन करता है इस जगह में आने का तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, जैसा कि मैंने बताया मैं मदद ज़रूर करूंगा इस जगह को घुमाने में। अब जैसा मैंने बताया, अपने साथ कुछ सामान ज़रूर लेके आइएगा, जैसे खाने और पीने का सामान, क्योंकि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं फिर आप लोग परेशान हो जाइएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं इस ब्लॉग को, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, खास करके हमारे एरिया मतलब पूर्वी सिंहभूम के जो डुमुरिया प्रखंड है, अगर आसपास के आप लोग रहने वाले हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जान पाएँ इस जगह को और लोग यहाँ पर आएँ भ्रमण के लिए, और हमारा जो जगह है थोड़ा सा फेमस हो, यही मैं चाहता हूँ, आप लोग भी चाहते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप मेरी हालत देख सकते हैं, मेरा कैप जो है पूरी तरह से पसीने से भींग चुका है। और आज के लिए इतना ही करते हैं, समाप्त करते हैं, नीचे उतरने में भी हमारी हालत ख़राब होगी। अब गोपाल की हालत तो ऐसे ही ख़राब है, एक बार फिर से आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें उतरते उतरते काफ़ी अंधेरा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, अभी लगभग 7:45 होने को है। और वहाँ पे देखिए कितना खतरनाक अंधकार है, उस जगह से हमें गुजरना पड़ेगा। जो लोग सांपों से डरते हैं उनके लिए तो यहाँ से गुजरना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लक्ष्मण रेखा हो सकता है, पार करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो सांपों से नहीं डरता हूँ, बस डर उतना भर रहता है जिससे मुझे सावधानी बरतने में आसानी हो सके। चलिए मिलते हैं, जब अपलोड होगा वीडियो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, एक बार आवाज़ सुन लीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा लग रहा जैसे रात हो गई है। अब ऐसे सिचुएशन में जो निशाचर होते हैं, रात में विचरने वाले प्राणी होते हैं, निकलना प्रारंभ कर चुके होंगे,
अब जो भी हो, अब हम लोग आए थे तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो भी आते हैं उन्हें जाना ही पड़ता है। चलिए हम लोग जा रहे हैं, आप लोग वीडियो में आइएगा ज़रूर, हमारे चैनल में आइएगा ज़रूर। ये देखिए अंधकार ही अंधकार है, ऊपर देखिए घना पेड़ है, है ना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।